नमस्कार प्रभा साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर घाटी में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह शाम इतना घना कोहरा पड़ रहा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भीषण ठंड के चलते सड़कों पर इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग घरों में ही कंबलों और रजाई में दुबके हुए हैं। पिछले 3 दिनों से यहाँ का न्यूनतम तापमान 0 से नीचे बना हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी भी हो रही है। इसमें जम्मू कश्मीर प्रशासन विद्यालयों में शीतकालीन छुट्टियों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। कश्मीर के मंडलायुक्त वीके भिदुरी ने संवाददाताओं से कहा, औपचारिक घोषणा होने तक मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम सर्दियों की छुट्टियों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस संबंध में एक प्रस्ताव प्रशासन को सौंप दिया गया है। वीके भिदुरी ने कहा कि प्रशासन के लिए सर्दियों की छुट्टी की घोषणा करना आसान है, लेकिन उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों को शैक्षणिक रूप से नुकसान नहीं हो। उन्होंने कहा, हमें दोनों चीज़ों में संतुलन बनाना होगा। विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र योजनाबद्ध होते हैं और हमें बोर्ड परीक्षाओं सहित कई चीज़ों पर विचार करना होगा। जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है, सरकार सर्दियों की छुट्टियों पर विचार कर रही है। 1 या 2 दिन में औपचारिक घोषणा की जाएगी। इस बीच अधिकारियों ने कहा है कि विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से बंद किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा, हम सभी कक्षाओं को एक बार में बंद नहीं कर सकते। हो सकता है कि शुरुआत में प्राथमिक कक्षाएं, फिर माध्यमिक स्तर और बाद में उच्च माध्यमिक कक्षाएं बंद कर दी जाएं। इसकी अधिक संभावना है कि प्राथमिक कक्षाएं इस सप्ताह के अंत तक ही जारी रहेंगी। हम आपको बता दें कि कश्मीर घाटी और श्रीनगर में रविवार रात से ही तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। बीती रात श्रीनगर का तापमान 0 से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम था, जो इस मौसम में सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। पिछले 3 दिनों से सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे वाहन चालकों के अलावा सुबह सुबह जरूरी सामान पहुँचाने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं लोगों की प्रतिक्रियाएं। और बच्चों बच्चों का मोजा माथपंज माथपंज लगाना, और बच्चा बच्चे का बहुत धूप है, सर्दी बहुत है, इसलिए मेहरबानी करना, बच्चा का हफाजत करना, बच्चा का धूप वूप ये रखना, मासक वासक। सुबह बहुत प्रसंग बहुत प्रॉब्लम है, सुबह बहुत बूंदल है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होता है। गाड़ी लाइट लगाता है, थोड़ा थोड़ा, सारा नहीं लगाता लाइट, कोई कोई लगाता लाइट, सारा नहीं लगा, इसलिए खतरा है। मेहरबानी करके लाइट लगाना गाड़ी का, इसलिए गाड़ी वाला देखेगा किस जगह जाना है, कहाँ जगह चलना है। सर्दी बहुत है, मेहरबानी करके इस बच्चे का मास्क वास्क लगाना, और या से हाथ पांच लगाना, बच्चा बच जाएगा। देखिए सुबह सुबह जब हमने आँख खोली तो बाहर निकलने से बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि कोई चीज नहीं दिखाई दे रही थी। इतनी फॉग थी कि मुझे लगता है मौसम ने बहुत बड़ी करवट ले ली है। सर्दी इतनी ज्यादा है कि इस मौसम में इतनी सर्दी नहीं ज्यादा होती थी, तो मुझे लगता है तकरीबन 10-15 मीटर के फासले पे कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा है। हम सुबह मैं घर से आया हूँ, यहाँ लाल चौक पहुंचा हूँ अभी, तो बहुत मुश्किल से मुझे हेडलाइट्स भी जलानी, इंडिकेटर्स भी जलाने पड़े, तो रास्ते में बहुत आहिस्ता आहिस्ता सब गाड़ियां चल रही थी, जिस वजह से मौसम अगर बारिश या बर्फबारी होती थी तो उससे ठीक हो जाता था। यहां से एडवाइजरी भी आ गई बच्चों के लिए, जो बूढ़े हैं उनके लिए भी मास्क का इस्तेमाल कर ले, और सुबह शाम घर से बाहर न निकलें, तो वो भी बहुत परेशानी वाली बात है। बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है, स्कूलों में कोई इंतजाम नहीं है, अभी हॉस्पिटल्स में भी इंतजाम नहीं है, मरीजों के लिए भी इंतजाम नहीं है। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसका खास ख्याल रखें कि एडवाइजरी वो भी जारी करें, बच्चों के लिए छुट्टियों का इंतजाम करें, या हॉस्पिटल्स में या बाकी जो भी जहां पर भी लोगों का आना जाना है वहां इंतजाम करें। और खासकर सुबह सुबह ट्रैफिक का कोई निजाम ही नहीं है, ट्रैफिक देख लीजिए, ट्रैफिक का कोई बंदा सामने नहीं दिख रहा है। अगर शाम को 10 बजे तक भी रहते हैं, लेकिन सुबह भी तकरीबन 8 बजे होनी चाहिए, क्योंकि बहुत खतरा है इस वक्त एक्सीडेंट होने का। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।